तो जिस चीज का वेट हर कोई वन पीस फैन कर रहा था वो चीज हमको फाइनली देखने को मिल रही है। नाना गियर 5 नहीं, उसके लिए तो अभी काफी ज्यादा टाइम बचा है। तो आपको पता ही होगा कि बहुत टाइम पहले नेटफ्लिक्स वालों ने बोला था कि वो एक वन पीस की लाइव एक्शन मूवी बना रही है, जिसको देख के हर कोई वन पीस फैन का रिएक्शन थोड़ा मिक्स टाइप आ रहा था। क्योंकि आपको पता ही है कि नेटफ्लिक्स वाले जो जो एनिमे के लाइव एडाप्टेशन करते हैं वो ज्यादा टाइम खराब ही निकलती है। जैसे उन लोगों ने डेथ नोट की करी थी भाई, काफी ज्यादा खराब लगी थी यार वो। इसलिए हर कोई ओपी फैन बोल रहा था कि भाई पहले ही भाई वन पीस बहुत कम लोग देखते, ऊपर से अगर मूवी इन लोगों ने खराब बना दी लाइव एडाप्टेशन वाली तो भाई लोग और ही गंदा बोलना शुरू कर देंगे वन पीस को। लेकिन ट्रीजर देखे तो काफी ज्यादा मस्त लग रहा है यार, इन लोगों ने क्या ही बढ़िया तरीके से CGI का यूज करा है और काफी ब्यूटीफुल तरीके से इन लोग ने ईस्ट ब्लू को दिखाया, जाके प्लेसेस देख के एकदम से मजा आ रहा है। क्योंकि देखो ईस्ट ब्लू सागा जो था बहुत ही पुराने वाले एनिमेशन में था और एकदम से उसको लाइव एनिमेशन में देख रहे तो काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। वैसे इन लोगों ने प्लेसेस भी काफी ज्यादा अच्छे लिए हैं। जब गोइंग मैरी और बाकी शिप्स के फोटो लीक्स हुए थे ना, तब तो कुछ अजीब भी लग रहा था क्योंकि इन लोगों ने एकदम से भाई अपनी गोइंग मैरी को कुछ अजीब बना दिया था। लेकिन यार टीजर में तो अच्छा ही लग रहा है और इन लोगों ने ऐसा दिया है कि कुछ ज्यादा ही रियल टेक लेने की ट्राई करी है। जैसे यहाँ पर आपने नोटिस करा होगा कि यहाँ पर गॉड ओसाप की नोज लंबी नहीं है, ना ही अपने सांजी की आईब्रो इन लोगों ने कर्ली करी है। क्योंकि आपको पता है कि वन पीस के वर्ल्ड के अंदर कितने अलग अलग दिखने वाले कैरेक्टर्स भरे पड़े हैं, अगर इन सबको अगर लाइव एडाप्टेशन में ये ट्राई करेंगे बनाने का तो भाई एकदम से वो कार्टूनिश बन जाएगा। जहाँ तक इन लोगों ने ट्रीजर में जितनी सारी चीजें दिखाई है सारी की सारी अच्छी लग रही है। तो चलो एनिमे के अंदर तो शायद काफी ज्यादा कम स्क्रीन टाइम दिया जाता है, यहाँ पर भी उन लोगों ने ऐसा ही करा भाई। पूरे ट्रीजर के अंदर हमको बस 2% शैंक्स का पार्ट मिला है, वो भी एनिमे का काफी स्टार्टिंग का पार्ट है जहाँ पर शैंक्स लुफी की जाम बजाता है, लुफी को अपनी स्ट्रो हैट देता है। लेकिन वहाँ पर बोट क्या कर रही है, ऐसा तो एनिमे के अंदर है नहीं शायद से, जहाँ पर शैंक्स बोट लेके लुफी को बचाने जाता है। वहाँ पर छोटी सी बोट हमको दिखाई गई, पता नहीं ये क्या सीन है। और टीजर के लास्ट में जो हमको लुफी का अटैक दिखाया जाता है, जहाँ पर पता नहीं आपने नोटिस करा या नहीं करा, वहाँ पर हमको कोबी भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर लुफी कोबी को बचाता है एलविडा के चंगुल से। उसके बाद हमको टीजर के अंदर कैप्टन बगीसामा का भी फर्स्ट लुक देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा मस्त लग रहा था। इतना कुछ दिखाई दिया था तो मॉर्गन और भाई अपने ऑरलॉन्ग पायरेट्स को भी दिखा देते तो मजा आ जाता। पता है यार टीजर के अंदर इतनी सारी चीजें नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी अभी ट्रेलर का ही वेट करना पड़ेगा सीधा। बात करें हिंदी डब की तो हिंदी डब तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन उन लोग ने भाई वो जो अटैक का नाम चेंज करा ना, वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है भाई। गम गम ना पिस्तौल को उन लोग ने मुक्का बना दिया, थोड़ा सा अजीब लग रहा था यार। और लुटेरों का बादशाह बनना है मुझे भाई, वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। सबसे ज्यादा मुझे जोरो की वॉइस पसंद आई है, जहाँ पर संकेत मात्रे ने जोरो को वॉइस दिया, काफी ज्यादा डीप और मस्त लग रहा है। जहाँ तक बात करें लूफी की वॉइस की, तो लूफी की वॉइस थोड़ी सी और गूफी होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, तभी और उसको मैच करी थी। ओवरऑल मुझे हिंदी डब तो काफी ज्यादा बढ़िया लगा और वो सूट भी कर रहा था। अभी तो बस इंतजार है इस वाले मूवी के ट्रेलर का, मुझे तो लगता है गियर 5 के बाद ही शायद से हमको ये वाला ट्रेलर देखने को मिल जाए। चलो होप फॉर द बेस्ट, अभी देखते हैं भाई नेटफ्लिक्स वाले क्या हमारे सामने लेके आते हैं। तब तक मैं तो चला ब्लीच का रिव्यू बनाने के लिए।